राम राम किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे कावेरी सीड्स के एक बहुत ही अच्छी प्रजाति के धान जिसका नाम है KRH 7425, जो कि अभी पिछले साल 2023 में लॉन्च की गई है, जो कि एक हाइब्रिड पैडी सीड है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीड है, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और पैदावार भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में हम इसकी बुआई कर सकते हैं, कितने दिन में यह पक करके तैयार होगी, कितना उत्पादन देगी, इत्यादि सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बात करें अगर KRH 7425 यानी कावेरी की 7425 की, तो यह 130 से 135 दिन में पक करके तैयार हो जाती है और 25 क्विंटल एकड़ तक का आपको उत्पादन दे देती है। उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलता है और पौधे की ऊँचाई भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 से 105 सेंटीमीटर की होती है। गिरने के प्रति भी सहनशील होती है और रोग भी इसमें कम देखने के लिए मिलते हैं। बात करें अगर बीज दर की, तो एक एकड़ में आपको 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। वहीं अगर हम अन्य चीज़ों की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सीड ट्रीटमेंट विथ पॉइजन डूनर फीड फूड फीड और आयल पर्पज। तो देखिए, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि किससे शोधन किया गया है। अच्छा, ऊपर लिखा भी हुआ है सीड ट्रीटमेंट विथ थीरम, यानी कि फंजी साइड से ही इसका जो है शोधन किया गया है, फंगस रोग कम लगेंगे। आप चाहें तो जो कीटनाशक होते हैं उनसे आप शोधन का कार्य कर सकते हैं, वैसे कीट रोग जो है वो कम ही देखने के लिए इसमें मिलते हैं, फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बात करें किन किन एरिया में हम इनकी बुआई कर सकते हैं, तो रिकमेंडेड कल्टीवेशन है पैडी ग्रोइंग एरियाज कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में आप इसकी खेती कर सकते हैं। सीजन देखा जाए खरीफ, रबी और समर, तीनों ही सीजन में यानी कि साल के 12 महीने इसकी बुआई होती है। जिसके क्लाइमेट में जहां पर जब पैडी लगती हो तब आप इसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल के 12 महीने लगने वाली या प्रजाति है, जैसे हमारे यहाँ खरीफ में लगती है, कुछ जगहों पर खरीफ रबी दोनों में लगती है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ के साल के 12 महीने लगते हैं, तो आप वहाँ पर इसे 12 महीने लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। अच्छा, मैंने बात की थी कि इस बीज के मैं आपको दाने भी दिखाऊंगा, तो अभी मैंने किसान को बेचा है तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा बीज उससे ले लिया था, जो कि आपको दिखाने के लिए रखा है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना बेहतरीन इसका दाना होता है। तो चलिए मैं आपको वो दाने भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बीज है, इसी का बीज है KRH 7425 का, जो कि आप इसमें रखा हुआ है, हमने निकाला था थोड़ा सा तो उससे ले लिया था, जो कि मैं आपको हाथ में ले करके दिखा देता हूँ कितने बेहतरीन इसके लंबे जो है दाने देखने के लिए मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे दाने देखने के लिए मिल रहे हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत मध्यम मोटा है, तो इसलिए उत्पादन भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। बात करें अगर एरिया की, किस एरिया में हम बुआई कर सकते हैं, तो सिंचित इलाकों में आपको इसकी बुआई करनी चाहिए, क्योंकि कम पानी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा जो जलाशय एरिया होती है वहाँ पर आपको इसे लगाने में थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 130 से 135 दिन की वैरायटी है, तो जलाशय एरिया के लिए थोड़ी लंबी प्रजातियों को लगाने की आपको आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को भटैक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भटैक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ एक और नई वीडियो में और जानकारी के साथ। जुलाई की आपकी खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान, जय किसान।